तमाम शायद तकरीबन जो दुनिया में पैदा होते हैं वो जम ही जाते हैं, और जमना एक कुदरती अमर है। और ये देखा गया है कि वो तमाम शहद जो कि जम जाते हैं उनके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो रेशो होता है वो करीब का होता है, और ऐसे तमाम शहद जिनके अंदर थोड़ा सा फासला होता है इसमें ज़रा दूर का होता है, मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ लीजिएगा कि किसी हनी के अंदर 25% ग्लूकोज होगी और 30% फ्रक्टोज होगी तो वो शहद क्रिस्टलाइज नहीं करेगा। लेकिन ऐसे शहद जिनके अंदर 27% ग्लूकोज हो और 28% फ्रक्टोज हो तो वो जल्दी क्रिस्टलाइज कर जाएगा। इसी तरह से कुछ शहद ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी जम जाते हैं, इसका पता हमें ऐसे चलता है कि वो बहुत फाइन क्रिस्टल्स बनाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, और जो हनी देर से जमते हैं उनके क्रिस्टल्स बड़े बड़े साइज़ के बनते हैं। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर अक्सर आ जाता है कि ये बिल्कुल चीनी जैसे लग रहा है, इसके बड़े बड़े ग्रेन्स हैं तो शायद इसके अंदर फीड कराया गया है। ऐसा कतन नहीं होता, तमाम शहद जम जाते हैं और उनकी अफादियत में कोई फ़र्क नहीं आता। ये शहद की जो कुदरती एक उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती है, और शहद की जो अफादियत पहले होती है वही होती है जमने के बाद भी।